वो जाते जाते 5 मिनट में चले गई, कोई बात नहीं करी, कोई कुछ नहीं कहा है, थोड़े समय लगा और वो चले गए संतों जैसा उनका मरण हो। तो इसलिए संतों के चरणों में वो गई, संतों के ध्यान में रहते थे तो उसी ध्यान में वो चले गए। तो वो जाते जाते अपने बच्चों को क्या आशीर्वाद दे करके गए हैं, रोज उठ करके माँ के चरणों में नमस्कार करते हैं बच्चे हमारे, और बच्चे नमस्कार करते हुए आशीर्वाद वो देते थे, आशीर्वादों से बहु बेटियों के सिर को चूम लिया करते थे। ये उनका सबसे बड़ा गुण था और ये उसको गुण को लेते हुए वो अपनी आशीर्वाद दे रहे हैं। माँ कभी मरती नहीं है, माँ का आशीर्वाद आप बच्चों के साथ है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम में आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम करेंगे जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे, हमें देख कर और करेंगे।
हमें देख कर और करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। कथनी करने में भेद न रहता, जो कहता वह खुद ही करता। कथनी करने में भेद न रहता, जो कहता वह खुद ही करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी ना सूट करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा है तो जाएगा, चाहे वो राजा हो या रंग हो या फकीर। फिर भी हम इस कड़वे सच को स्वीकार नहीं कर पाते, और जब भी कोई हमारे बीच से जाता है तो हमें वो दुख दे जाता है। क्या दुख होता है? उसकी कमी हमें महसूस होने लगती है। ये अचानक क्यों हुआ? तमाम क्वेश्चन मन में खड़े हो जाते हैं। क्यों होता? वशिष्य दे पूरण देवा वशिष्य दे। जिन्होंने पगड़ी देनी है कृपया मंच के पास आ जाइए, साथ ही साथ में रसम होगी। हमारे आदरणीय सुमित मल्होत्रा जी एक्स काउंसलर योगी यहाँ पर उपस्थित हैं। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के, तुम स्वामी, तुम रक्षा करता। मैं सबके के प्राणपति, स्वामी सबके के प्राणपति। किस विद मिलो दयालु, किस विद मिलो तुमको मैं। हरिओ जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता। उसको गुण को लेते हुए वो अपनी आशीर्वाद दे रहे हैं। माँ कभी मरती नहीं है, माँ का आशीर्वाद आप बच्चों के साथ है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम में आएंगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले जा माँ की दुआएं
तेरे काम आएगी। ले जा माँ की दवाई तेरे काम आएगी। नौ महीने गर्भ के सांचे में डालती है माँ, नौ महीने गर्भ के सांचे में डालती है माँ, फिर जन्म देती है और संभालती है माँ, खिलाती पिलाती और पालती है माँ, खिलाती पिलाती और पालती है माँ। जो भी दुख सुख है, जो भी दुख सुख है, बच्चों का पहचान जाएंगे। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले जा माँ की दवाएं तेरे काम आएगी। ले जा माँ की दवाएं तेरे काम आएगी। चरण कमल चिन्ह करंदाय उस निवासाय, हे हे श्री राम मगो तीर्थास्पदम शिव विरिञ्चिनुतम शरण्यम् विद्यारतिहं प्रणतपालभवाप्यकोटम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् Thank you.
Krishna, 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 Hare, 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 Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare. Krishna, 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 Hare, Hare, Rama, Rama, Hare, Hare, Hare Krishna, Hare. गरुड़ प्राण का फरमान है, गुरबानी कहती है, जो भी जीव संसार में आया है उसने एक न एक दिन अवश्य में संसार का त्याग करके चले जाना है। आजकल के समय के अंदर हर जीव इतनी बात को जानता है। गुरबानी कहती है, मरण लिखाए मंडल में आए। रामायण कहती है, जिसका संयोग है उसका वियोग है। आते हैं अंत समय सभी मर जाते हैं। कौन सा ऐसा जीव है जो संसार में आया और अंत मरण नहीं पाया। कि 84 लाख योनियों के अंदर कोई भी ऐसी योनि नहीं है जिसे संसार के अंदर आकर के संसार का त्याग करके ना जाना पड़े। यहां पर आकर के एक बात निश्चित कर दी जाती है कि मृत्यु एक अटल सच्चाई है जिसे हर जीव को स्वीकार करना पड़ता है। इंसान की मीठी यादें ही संसार के अंदर रह जाती हैं। जैसे कि हम सभी लोग स्वर्गीय श्रीमती वीरा देवी जी के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने संसार के अंदर समाज के अंदर रहते हुए अपना सारा जीवन व्यतीत किया। संसार के अंदर अपना यश फैलाया, कीर्ति फैलाई और यही संसार के अंदर रह जाता है। जीव क्या लेकर के आया जगत में, क्या लेकर के जाएगा? मुट्ठी बांध कर आया जगत में, हाथ पसारे करे। लेकिन जो उन्होंने अपने जीवन के अंदर प्रभु नाम की शिव जी, केशव जी, सोनू जी और इस परिवार की जो पुत्र वधु है मोहिनी जी, कंचन जी, सोनिया जी, अपने पूरे परिवार को नेक संस्कार दिए उस आत्मा में और इस परिवार को भी मन लगा करके उस मां की सेवा की जो इस परिवार का धर्म है।
जाने वाली आत्मा अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर के गई, हरा भरा परिवार अपने पीछे छोड़ करके गई, पुत्र पौत्र और परपौत्र के कंधों पर संसार का त्याग करके गई। गरुड़ पुराण के अंदर वर्णन आता है, वह प्राणी जन्म मरण का उल्लंघन करके सीधा वैकुंठ में जाकर के निवास कर जाता है। ये पुराणों की कथन है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, इसलिए वे आत्मा सीधा परलोक के धाम में जाकर के निवास कर चुकी है और संसार के लोगों को यही उपदेश देकर के गई है कि मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर के जा रहा। आए थे हम सैर को साफिर कर चले, संभाल माली अपने बाग को, हम तो अपने घर चले। यही संसार के लोगों को उपदेश देकर के गई है वो आत्मा, इसलिए संत महापुरुष भी यही कहते हैं सदा पहले हम उसका साथ छोड़ देता है।
मित्र रिश्तेदार के साथ देते हैं तो केवल शमशान तक, और पुत्र भी अपना हक निभाता है तो केवल अग्नि संस्कार। इसलिए संसार क्या है, जो कि अपने जीवन के अंदर नेक संस्कार अपने परिवार को देकर के वह संसार का त्याग करके चली गई। देखिए आजकल के समय के अंदर हम हर चीज अपने बच्चों को ला करके देते हैं। बच्चा किसी चीज की डिमांड करता है फट पूरी कर देते हैं, लेकिन संस्कार नहीं दे पाते। ये संस्कार परिवार वालों के द्वारा ही दिए जाते हैं, ये बाजारों से नहीं मिलते। ध्यान देना, उस माँ ने इस पूरे परिवार को संस्कारों से सुसज्जित किया, नेक संस्कार अपने परिवार को दिए, और आज उन्हीं माँ के संस्कारों के ऊपर ये परिवार चल करके धार्मिक क्षेत्र के अंदर, पारिवारिक क्षेत्र के अंदर, सामाजिक क्षेत्र के अंदर ये परिवार अपना नाम फैला रहा है। उस माँ के दिए हुए संस्कार है, लेकिन आज इस परिवार से उस माँ के जो चले जाने का दुख है, जो कमी है, वो कोई पूरी नहीं कर सकता। के पीपल से बढ़कर के कोई छान नहीं होती, जो तो जिस्म है मुर्दा उसमें जान नहीं होती, जो तो दुनिया के अंदर मिल जाते हैं कोई मान नहीं होती। यही कमी
इस परिवार को रहेगी, सब कुछ मिल जाएगा। पंजाबी के कवि ने लिखा है, सब कुछ मिल जाता बंदिया पर मां नहीं मिलती, कोई जाने के बाद संसार को वो मां नहीं मिलती। इसलिए आज इस परिवार के भाव है उस मां के प्रति। लेकिन क्या पता था इतनी जल्दी वो हमें छोड़ करके चले जाएंगे। जो मां का आशीर्वाद नहीं, तेरे वर की लपड़ी ठंडड़ी छा नहीं, अखिया तो छुप गई बस कितने लुक गई अखिया को छुप गई दस कितने लुक गई कितो मैं ले आवा तेनू मोड़ के कितो मैं ले आवा तेनू मोड़ के अपने बच्चिया सुखा पे सुलांदिया ने के मां की ममता का मुल की पावे एता बच्चिया तो जिंदा लुटांदिया ने पता उस वेले पहले आवा तेनू
परिवार के जो दामाद हैं डॉक्टर रवि छावड़ा जी, अविनाश बुद्धि राजा जी, पौत्र पंकज जी, अनिल जी, पौत्र वधु पूनम जी, आरती जी और हमारे आदरणीय जगदीश जी, हमारे आदरणीय बहन जी सुदेश जी, रानी जी फुला, रानी जी राम प्रकाश जी, शीला रानी जी, स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी और रिचा जी, कार्तिक जी, श्रुति जी, सिमल जी, रंजन जी, श्रेय जी, भावना जी, आशना, नमन, अमन, पीयूष, अनमोल और पड़पोत्र माहिर और ऋषिता, सारा ही परिवार यहाँ पर उपस्थित है। तो समय को ध्यान और इस परिवार के जो पुत्र हैं आदि, समय रखा है 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक, इसी के अंदर ही सारा कार्यक्रम संपन्न करना है। तो जिस प्रकार परिवार की, जैसे परिवार की ओर से आज्ञा हुई है, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा परमादरणीय परम श्रद्धेय परम पूजनीय हमारी बहन जी सुदेश रानी जी, वो भी अपने भाव आपके समक्ष रखेंगे, उस आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सारा परिवार यहाँ पर उपस्थित है, हमारा अपना परिवार,
हमारे दादाजी स्वर्गीय पंडित तिलक राज जी, उनकी ये फुलवाड़ी, उनका ये भुट्टा लगाया हुआ है। श्रीमती सुदेश रानी जी बोलिए, शंकर भगवान की जय, बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। श्री राम जय जय राम। साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है, तो जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते हम लोगों को सीख दे जाते हैं कि ये जीने वालों, संग में कुछ भी जाने वाला नहीं है। जाएगा तो राम का नाम, जाएगी तो की हुई नेक कमाई, जाएगी तो किसी से मीठे बोले हुए बोल, और कुछ भी आगे जैसा कोई संसार में होता ही नहीं, माँ के जैसी बोली सूरत कोई होती ही नहीं, और सूरत में जो सीरत छिपी है उसके जैसी कोई बात नहीं थी। इसलिए क्या कहेंगे, हमारे आदरणीय पंडित जी महाराज ने बहुत अच्छा भाव रखा माँ के लिए कि माँ जब पैदा करती है तो ही हमारी पहचान होती है। इसलिए क्या कहा, आशीर्वाद माँ दे रही है, जहाँ बैठी है वहाँ भी, वहाँ से भी उनको आशीर्वाद आ रही है। तो कहते हैं तेरे जीवन में गुलशन गोल्डी सोनी, और परिवार पीछे जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, सबको आशीर्वाद है माँ का। वो जाते जाते 5 मिनट में चले गई, कोई बात नहीं करी, कोई कुछ नहीं कहा है, थोड़े समा लगा और वो चले गए, संतों जैसा उनका मरण हुआ। तो इसलिए संतों के चरणों में वो गई, संतों के ध्यान में रहते थे तो उसी ध्यान में वो चले गए। तो वो जाते जाते अपने बच्चों को क्या आशीर्वाद दे करके गए हैं, रोज उठ करके माँ के चरणों में नमस्कार करते हैं बच्चे हमारे, और बच्चे नमस्कार करते हुए आशीर्वाद वो देते थे, आशीर्वादों से बहु बेटियों के सिर को चूम लिया करते थे, ये उनका सबसे बड़ा गुण था, और ये उसको गुण को लेते हुए वो अपनी आशीर्वाद दे रहे हैं। माँ कभी मरती नहीं है, माँ का आशीर्वाद आप बच्चों के साथ है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम में आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम में। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम में आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम में आएंगी। 9 महीने गर्भ के सांचे में डालती है माँ, 9 महीने गर्भ के सांचे में डालती है माँ, फिर जन्म देती है और संभालती है माँ, खिलाती पिलाती और पालती है माँ, खिलाती पिलाती और पालती है माँ। जो भी दुख सुख है, जो भी दुख सुख है
जरूर कहेंगे, इसलिए ज्यादा ना कहते हुए मैं एक बात कहूंगी कि माँ से सुंदर कोई भी नहीं होता और माँ से ऊंचा कोई नहीं होता, माँ से महान कोई नहीं होता, पर उससे सुंदर मेरे मालिक हैं जिन्होंने माँ भी बनाई और बच्चे भी बनाए। लाल लाल मेरा भगवान को कभी कोई याद नहीं करता, उस दाता को, उस शक्ति को। लाल लाल मेरा सोना लाल बोलो जिस दे नाल दा होरना लाल यारा लाल देख ऐसा दिल लाल होया भुल गया है लाल गुलाल सारा मेरे लाल दी लाल एक दमक दे तो हो फुल चमक रहे हीरे लाल यारा गोविंद रस पाया जदों लाल वाला हो भुल गया है खौफ जमाल सारा गोविंद रस पाया जदों लाल वाला भुल गया है खौफ जमाल सारा। जब उस लाल के लाल की रोशनी आई उसके नाम में जो रस आता है उसके नाम की जो मस्ती है वो हमारे बहन जी अभी आए हैं वो बताएंगे। इसलिए महापुरुषों की देन है और संत महापुरुषों के चरणों में जैसे वो उनको मांगते थे वो गए हैं, तो इसलिए उनकी देन से भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी गोद दें, उनको अपनी गोद दें। जो सुंदर माँ है सुंदर से भी सुंदर है, सुंदर से भी सुंदर है, सुंदर महिमा उस सुंदर की, सुंदर रचना सुंदर गाते वो सुंदर संत है सुंदर की, सुंदर की महिमा क्या सुंदर कह कह कर बतलाऊं मैं, जो पहले से ही सुंदर है इस मुख महिमा गाँव में, वो जो पहले से ही सुंदर है इस मुख महिमा गाँव में। प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि
मां तो अपनी परमात्मा अपनी गोद में, वो परमपिता परमात्मा अपनी गोद में रखे और अपने नाम दान से और अपने जो पीछे परिवार है उनको सुख शांति प्रदान करें। इतना ही कहते हुए माँ के चरणों में भी प्रणाम करते हैं और आप सबसे जो आगे का प्रोग्राम है वो समय को ध्यान में रखते हुए अपने भाव आपके समक्ष रखेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। ओम शांति।
एक अनाउंसमेंट है कि आप प्लीज थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए ताकि पीछे आने वाले लोगों को जगह मिल सके थोड़ा सा। ओम शांति, ओम शांति। अभी हमने क्या सुना कि कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कर्म कैसे श्रेष्ठ बनेंगे, इससे पहले हम बहुत सुंदर सुंदर और भी बहुत कुछ सुन रहे थे, माँ की महिमा और उस जगत नियंता परमात्मा की महिमा और इस सृष्टि की महिमा और सृष्टि पर किए गए कर्म की महिमा। क्योंकि कर्म हमारे श्रेष्ठ कब बनेंगे, जब हम अपने ऊपर गौर करेंगे। तो कैसे अपने ऊपर हम गौर करें, ध्यान रखें, जब हमारे कर्म श्रेष्ठ बने। तो कहा जाता है, यूं तो आते हैं और चले जाते हैं, यूं तो आते हैं और चले जाते हैं जीकर अपनी जिंदगी, लेकिन नाम उन्हीं का होता है जो करके जाते हैं कुछ श्रेष्ठ कर्म, तभी दुनिया में होती है उनकी बंदगी। अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो जैसे इस दुनिया में हर चीज अचानक होती है और वर्षों से कई कार्य ऐसे हैं जो अचानक होते आए हैं और हर कार्य को हम स्वीकार करते हैं, चाहे वो अचानक हो या पहले से करना पड़े। तो जैसे हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ पड़ाव आते हैं और उनको हम हंस के स्वीकार करते हैं, तैयारियां करते हैं, लेकिन एक कड़वा सच जिसको सबको मालूम है, जिसके बारे में सब जानते हैं कि आया है तो जाएगा, चाहे वो राजा हो या रंग हो या फकीर, फिर भी हम इस कड़वे सच को स्वीकार नहीं कर पाते। और जब भी कोई हमारे बीच से जाता है तो हमें वो दुख दे जाता है। क्या दुख होता है, उसकी कमी हमें महसूस होने लगती है कि ये अचानक क्यों हुआ। तमाम क्वेश्चन मन में खड़े हो जाते हैं, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमने इस, आप कहें मौत की भला कौन पहले से तैयारी करता है, लेकिन मृत्यु की तैयारी कुछ और है। जो परमात्मा ने हमें सिखाया है कि श्रेष्ठ कर्म क्या होते हैं, यदि हमारे पास श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी है तो मौत का भी भय नहीं है। तो जैसे कि अभी हम कहते हैं कि वो माताजी चले गए, माताजी हमारे बीच से चले गए, तो कहाँ गए वो और कौन गया, वो कौन गया और कहाँ गए, ये सबसे बड़ी पहेली है। माताजी का शरीर तो सबके साथ था, सबने अपने हाथों से मिलकर के दाह संस्कार भी किया होगा, फिर कौन था जो चला गया, कौन सी शक्ति थी जो शरीर से निकल गई और वो माताजी हमारे काम के नहीं रहे, लेकिन उनके दिव्य जो कर्म थे, उनकी जो भावनाएं थी, उनका जो आशीर्वाद था, वो तो आज भी हमारे बीच है और उनके होने का एहसास भी करा रहा है। तो कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति थी जो हमारे बीच से चली गई है, वो है चैतन्य शक्ति आत्मा, जिसको कोई स्पिरिट कहता है, कोई ऊर्जा कहता है, तो कोई कुछ कहता है। तो वो आत्मा थी जो हम सब के बीच से, उस शरीर से निकल करके चली गई। हम सभी के शरीर के अंदर एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, इसी संसार में हमारे बीच कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो वापस आएगी। उससे पहले हम कहते हैं कि वो आत्मा परमात्मा के पास जाएगी, तो ये सच है कि वो परमात्मा को टच करके फिर वापस इस सृष्टि पर आती है। तो श्रेष्ठ कर्म ही हमें ऊंचा उठाते हैं और श्रेष्ठ कर्म के कारण ही लोगों के दिलों में वो व्यक्ति जिंदा रहते हैं मरने के बाद भी। कई लोग कहते हैं कि ऐसा कर्म करके गए हैं जिनके जाने के बाद लोगों को दर्द होता है, दुख होता है, कहते हैं संसार उन्होंने अपने बच्चों के अंदर भी वही संस्कार डाले हैं और वही संस्कार आज वो कर्म करते हैं। ये इतनी सभा जो देख रहे हैं, ये किसका प्यार यहाँ खींच करके लाई है, ये एक माँ का प्यार, उनके स्वभाव, उनका संस्कार, उनका व्यवहार बहुत जरूरी है। तो वो परमात्मा को
घर से हम सब कहते हैं कि ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रह बसेरा है, अकेले आए हैं अकेले जाना है, ये संसार तो एक मुसाफिर खाना है, कहीं दूर अपना ठिकाना है, ये दुनिया तो एक सराय है मुसाफिर खाना है, यहाँ आए हैं तो जाना जरूर है, फिर गम किस बात का? गम सिर्फ इसी बात का रहता है कि हमने अपने श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा नहीं की है। उसके लिए एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बारी एक व्यक्ति ने सपने में देखा कि मैं मर चुका हूँ और मेरे सामने भगवान खड़े हैं, कहते हैं चलो बच्चे मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और भगवान के हाथ में उस व्यक्ति ने देखा एक अटैची है छोटी सी, और उस व्यक्ति ने पूछा इसमें क्या है? तो भगवान ने उत्तर दिया ये तुम्हारी अटैची है, इसमें तुम्हारा सामान है। तो व्यक्ति कहने लगा मेरा सामान? खुश हो गया, मेरा सामान मतलब मेरा अपना शरीर? तो कहा नहीं, ये तो कभी तुम्हारा था ही नहीं, भूल जाओ इसे। व्यक्ति सोच में पड़ गया, फिर कहा मेरा नाम, मेरा पद, मेरा पोजीशन? भगवान का देना है, मुस्कुराया। फिर दोबारा उसने फिर क्वेश्चन किया मेरे रिश्ते, मेरे अपने सगे संबंधी भाई बंधु? फिर भगवान मुस्कुराए, ये तो खेल खेलने के लिए तुम्हारे साथ था, इस दृष्टि पर अब तभी खड़े थे तुम्हारे साथ ये सब सगे संबंधी जो थे, ये तुम्हारे फर्ज के कारण कर्म बने हुए थे, इनके साथ था उनके लिए कमाना अपने लिए कमाना और उनका भरण पोषण करना, रिश्ते बनाने, व्यवहार कमाना, ये तो तुम्हारा फर्ज था जिसको तुम अपना कर्म समझ बैठे। फिर व्यक्ति झुंझलाया और उसने भगवान के हाथ से अटैची छीन ली और खोल के देखा तो एक छोटी सी फाइल थी, उस पे लिखा था पुण्य कर्म, जो कि पूरी खाली थी। क्या लिखा था उस पर? पुण्य कर्म, जो पूरी खाली थी। जैसे उसने देखा तो आंखों से आंसू झरझर झरझर बहने लगे कि हमने अब तक किया क्या नहीं है। तो वो कहीं दूर नहीं है, उनको तो परमात्मा ने अपनी गोद में जगह दे ही दी है। शांति की आवश्यकता तो हम सबको है, क्योंकि उनके जाने का जो दर्द है वो सबसे ज्यादा हम सबको महसूस हो रहा है। तो इसलिए उनके लिए जो हम कर्म कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उनकी परवाह करना, उनके दुख में रोना, उनको याद करके रोना, ये बहुत बड़ी हमारी बेसमझ। संकट मोचन हनुमान मंदिर की ओर से भी शोक प्रस्ताव आया है और परिवार वालों ने इन सभी संस्थाओं के लिए कुछ दान राशि भी निकाली है। जो जो सज्जन यहाँ पर उठ के जाएं, अतुल कृष्ण गोस्वामी सेवा संस्थान की ओर से शोक प्रस्ताव आया है। डीरक सौजरी से हमारे सुरेश अरोड़ा जी, प्रेम आहूजा जी, रामदास छाबड़ा जी का परिवार, हमारे नंदलाल जी परूथी आपके दर्शन हौजरी से, प्रेम मंदिर से सदा सत्संग की ओर से शोक प्रस्ताव आया है। भुआदाती मंदिर से हमारे आदरणीय ज्ञानचंद जी चांदी जी और उलखराज जी उगलानी, वो भी यहाँ पर उपस्थित है, उनकी ओर से शोक प्रस्ताव आया है। लुधियाना एक्सरे की ओर से हमारे नरेंद्र अरोड़ा जी, उनकी ओर से भी शोक प्रस्ताव। हमारे काउंसलर साहिबान अनिल मल्होत्रा जी और श्याम सुंदर जी मल्होत्रा और हमारे एक्स काउंसलर धवेंद्र जग्गी जी, उनकी ओर से शोक प्रस्ताव आया है। हमारे आदरणीय ओम प्रकाश जी मल्होत्रा, उनकी ओर से भी शोक प्रस्ताव आया है। नेटवेयर क्लब की ओर से हमारे आदरणीय दर्शन डाबर जी, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इसका फल भी उस आत्मा को जाकर के प्रदान हो जो भी दान राशि निकाली है। ये परिवार आई हुई बिरादरी का, आई हुई रिश्तेदारों का धन्यवाद करता है। इस पुनानी परिवार, छाबड़ा परिवार, बुद्धि राजा परिवार, बबेजा परिवार, परुथी परिवार, गुंबर परिवार, आई हुई बिरादरी का, रिश्तेदारों का धन्यवाद करता है। इस दुख की घड़ी के अंदर आकर के आपने परिवार का साथ दिया। परिवार वालों ने सूक्ष्म रूप के अंदर श्री गरुड़ पुराण की पावन पवित्र कथा को श्रवण किया। मैं प्रार्थना करूंगा, आइए रुमाले के द्वारा, फूले के द्वारा पुराण का पूजन करें। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। जिन्होंने पगड़ी देनी है कृपया मंच के पास आ जाइए, साथ ही साथ में रस्म होगी। हमारे आदरणीय सुमित मल्होत्रा जी एक्स काउंसलर जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी परिवार के साथ दुख बांटने के लिए आए हैं। बोलिए शंकर भगवान की।
सुख दिन से मन का सुख संपत्ति करे, सुख संपत्ति करे आवे कष्ट मिटे। तुम्हें पूरन करे मातम तुम्हें अंतर स्वामी, तुम्हें अंतर यामी तमेव बंधु सखा तमेव